इंटीग्रेशन के कुछ और फॉर्मूलाज आप लोगों ने लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आप लोगों ने लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। जब हमने डेरिवेटिव पढ़ा था तब हमने टेन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखा था, सेकेंड स्क्वायर एक्स। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जब आप लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा था ई रेज टू पावर एक्स का, क्या था, ई रेज टू पावर एक्स। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। क्लियर जी। अच्छा, अब इनको एक एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 5 साइन एक्स प्लस 7 e रेज टू पावर x प्लस 8 सेकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट रूल वही है कि जो टर्म्स कॉन्स्टेंट्स हैं वो हम इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं। एंड साथ के साथ हमें ये ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, इन 4 टर्म्स का ये इंटीग्रेशन हमें अलग अलग करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 इंटू ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8 इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर dx को मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, 3 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। x की पावर 1 है, नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो ये इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 5 एज सच। साइन x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन जो हमने अभी पढ़ी वो कितनी है, माइनस कॉस x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस x प्लस 7 फिर से इंटीग्रेशन से बाहर। e रेज टू पावर x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन कितनी है, e रेज टू पावर x, तो 7 इंटू ई रेज टू पावर x प्लस 8 सेकेंड स्क्वायर इन x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या थी, 10x। ये वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, 10x, जिसका मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 cos x प्लस 7 इंटू ई रेज टू पावर x प्लस 8 tan x। सॉरी मेरे पे यहाँ गलती हो गई, आई शुड राइट डाउन हियर x, 8 tan x। क्लियर जी। अब जिस तरह से हमने चेन रूल पढ़ते हुए एक जुगाड़ पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n का डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करता था। पहले पूरा फॉर्मूला लगा लीजिए, उसके बाद हमने कहा था कि x के कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर x का कॉफिशेंट क्या है, a, तो यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मींस हमने कहा था हमारा आंसर ये बन जाएगा। अब इसी रिजल्ट को जब इंटीग्रेशन में अप्लाई करना हो तो ध्यान क्या रखना है कि जो हम कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पर कॉफिशेंट के साथ डिवाइड किया जाएगा। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन की इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू कॉफिशेंट ऑफ एक्स, एक्स के कॉफिशेंट के साथ यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, एक्स का कॉफिशेंट कितना है, ए, इनकी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें सॉल्व करना है 2x प्लस
थ्री रेज टू पावर टू को मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, इसको पूरी को इंटीग्रेट करना है। अब मैं पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, कैसे, आई विल राइट डाउन 2x प्लस 3 रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। अब मुझे x के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करना है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2 के साथ डिवाइड कर देना है। 3 टू ज 6 मीन्स 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3 अपॉन 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेम कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड वाइल सॉल्विंग साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या थी, माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। वंस अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है, ए। चलिए अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है साइन थ्री एक्स प्लस फोर इंटू डी एक्स, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस थ्री एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 3, तो इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रल, हमने जो अभी तक पढ़ा एक्चुअली वो सारा इनडेफिनिट इंटीग्रल ही था। हमने ये डिफाइन ही नहीं किया कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। इस तरह की सिचुएशंस में मैथमेटिकली हमें एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास इंटीग्रेशन है x पावर 5 इंटू डी एक्स की, यहाँ पर मैंने x की लिमिट्स नहीं मेंशन की, डेफिनेट वैल्यू x की नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। जब इसको सॉल्व करते हैं तो मैथ्स में सॉल्व करते हुए हम इंटीग्रेशन लिखने के बाद, फार्मूला अप्लाई करने के बाद प्लस सी लिख देते हैं, वे सी रिप्रेजेंट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनफैक्ट मैंने पीछे जितनी भी एग्जांपल्स करवाई हैं उन सभी में हम एंड में प्लस सी लिख सकते थे, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता। बट आपके मन में आएगा इसकी ज़रूरत क्या है, मैं इसको डेरिवेटिव लेके दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा कि इसका जो डेरिवेटिव है यही x रेज़ टू पावर 5 बनेगा। हम d बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, वे c इज सम कांस्टेंट। डेरिवेटिव जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस का साइन आ गया, टर्म्स अलग अलग हो जाएंगी। सेकेंड जो टर्म है इसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/6 बाहर आ गया कांस्टेंट, पावर आगे आ गई 6 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 6 माइनस 1, ये 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 0 मीन्स एक्स रेज़ टू पावर 5। मीन्स अगर हम सिर्फ इतना फार्मूला लिखते हैं, अगर हम सिर्फ एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि यहाँ पर कांस्टेंट है या नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं, तो उसको कवरअप करने के लिए जनरली मैथमेटिक्स में यहाँ पर एक सी लिख दिया जाता है विच रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट फिजिक्स में इसकी ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है, इसी वजह से मैंने इसको कहीं पे भी नहीं लिखा। आप चाहो तो जितने भी फॉर्मूले, जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स हमने अभी की हैं, उन सभी में आप लास्ट में प्लस सी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट वी हैव ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा हमने कहा था कि जो इंटीग्रेशन है इट इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपको याद हो जब हमने
डेरिवेटिव को डिस्कस किया था, डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिया था, तो हमने ए और बी दो पॉइंट्स से शुरू करते हुए एक यहाँ पे कोड बनाई थी, फिर बी पॉइंट को पास लाते लाते कहाँ पहुँचे थे, ए पॉइंट पे, यानी कि हम बी को कम करते करते ए पॉइंट तक पहुँचे थे। फिर हमने कहा था कि जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। इंटीग्रेशन इसका रिवर्स है। इंटीग्रेशन में हम एक छोटे से हिस्से से शुरू करेंगे और उसको बढ़ाते बढ़ाते ए से बी तक पहुंच जाएंगे। मतलब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन वाई, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इसके लिए जो ग्राफ है वो इस तरह से आ रहा है, ए पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू एक्स वन एंड बी पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू एक्स टू। इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया एक्स, ठीक है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू हम लोग फार्मूले से यानी कि फंक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी, वाई। अब एक्स से थोड़ा सा आगे मूव कर गए, एक्स से थोड़ा सा आगे, बहुत स्मॉल, इनफाइनिटिसिमली स्मॉल, इतना थोड़ा, ठीक है, डी एक्स इज सो स्मॉल, डी एक्स इज सो स्मॉल दैट वी कैन एज्यूम वेरी कंफर्टेबली, वी कैन एज्यूम y remains same, y की वैल्यू चेंज नहीं होती, dx इतना छोटा है कि हम मान सकते हैं कि y की वैल्यू चेंज नहीं होती। हम x से कहाँ पे गए, x plus dx। देखने में ये अप्रोक्सीमेशन आपको अजीब सी लग सकती है, बट दिस इज वेरी टेस्टेड रिजल्ट, 100% एप्लीकेबल है, बिल्कुल ध्यान रखिए, मन में बसा लीजिए, ठीक है। तो अब हम x से d एक्स प्लस डी एक्स तक गए और इधर वैल्यू कितनी हो गई, वाई, वाई रिमेन से। अब देखिए ये एक स्ट्रिप बन गई, ये इस पतली सी स्ट्रिप का अगर मुझे एरिया लिखना हो तो वो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये ब्रेथ कितनी आ जाएगी, डी एक्स, ये लेंथ मेरे पास कितनी है, वाई, मैंने कहा वाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपको इसे ट्रेपेजियम नहीं मानना है, तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गई। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का अगर मुझे एरिया लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, वाई इंटू डी एक्स। डी ए, डी ए रिप्रेजेंट वेरी वेरी स्मॉल एरिया, वेरी वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है। ये जो एलिमेंट, ये जो स्ट्रिप आई, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री स्ट्रिप। इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, डी ए। अब अगर मैं इस तरह की कई हजारों लाखों करोड़ों एलिमेंट्री स्ट्रिप्स लूँ जगह जगह पे, तो और उन सभी स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड कर दूँ, एक स्ट्रिप यहाँ पे ली, एक उसके आगे, एक उसके आगे, ऐसे ऐसी कई लाखों करोड़ स्ट्रिप्स लूँ, उन सभी के एरियाज को ऐड कर दूँ, तो मेरे पास एरिया अंडर ग्राफ आ जाएगा। मीन्स अगर मैं इस स्ट्रिप के एरिया को बढ़ाता बढ़ाता एक्स वन तक पहुँच जाऊँ, एक तरफ से x1 की तरफ, दूसरी तरफ से x2 तक पहुंच जाऊं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व। अब देखो, जब हमने इंटीग्रेशन ली थी तभी हमने यही किया था, y इंटू dx, हमने यही इंटीग्रेशन ली थी, रिकॉल करवाता हूं। मान लीजिए हमने लिखा y इज इक्वल टू साइन x, तो हमने लिखा था y इंटू dx इज इक्वल टू साइन x इंटू dx, फिर हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया था, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आई थी, माइनस ऑफ कॉस एक्स, सेम इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। यहाँ पर भी वाई इंटू डी एक्स एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मुझे देगा एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। आपको याद रखना है इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इट इज एरिया अंडर ग्राफ। अब ग्राफ में एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना है, हमें जो लिमिट्स हैं वो लेनी पड़ेंगी x1 से लेकर x2 तक। शुरू कहाँ से करना है, x1 से, और ख़त्म कहाँ पे करना है, x2 पे। यहाँ से शुरू करना है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और यहाँ पे ख़त्म करना है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर एंड अपर लिमिट्स इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर लिखी जाती हैं। एरिया अंडर ग्राफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स।